नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित लाइव प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे वेस्ट को रीयूज करने की। उसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, जो सीआईटी में एमपीडी मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन में कार्यरत हैं। और एक खास मेहमान है हमारे साथ, शुभांग सिंह। हेलो शुभांग। हेलो। और आज आप क्या करने वाले हो यहाँ पे? मैं पपेट शो। क्या करोगे? पपेट शो। पपेट शो करोगे? कुछ सुनाओगे हमें? यस, पोयम। पोयम सुनाओगे? सुनाओ। वी आर इंडियन बोल्ड एंड फ्री, वी आर इंडियन बोल्ड एंड फ्री, वी विल गो द लवली कंट्री, वी विल गो द लवली कंट्री, वी सेल्यूट लाइक विद लव एंड प्राइड एंड सिंग जन गण मन स्टैंडिंग साइड बाय साइड, वी सेल्यूट लाइक विद लव एंड प्राइड एंड सिंग जन गण मन स्टैंडिंग साइड बाय साइड। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पोयम थी। और बेटा, ये पपेट शो तब होता जब अपनी आवाज के साथ इसको आप मूव करते है ना, इसको गाता। अगर ये गाना गा रहा है, आपकी पोएम गा रहा है, तो पपेट शो बन जाता। yes. आप छुप जाते और पपेट दिखाई दे जाता। yes. तो पपेट शो करना कितना आसान है। yes. है ना? तो पपेट शो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास या तो कोई कहानी होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे पास पोएम थी, ऐसे ही कोई नाटक भी सोच सकते हैं। तो पहली जरूरत तो हमें किसी कहानी और नाटक की होती है, और फिर उस नाटक और कहानी में जो जो पात्र होते हैं। yes. है ना? जैसे मान लिया कोई भी कहानी सोच लो, कोई कहानी याद आ रही है आपको? सोच लो कोई कहानी। आ गई कहानी, सुनाओ। एक लड़का था। हाँ। वो बहुत झूठ बोलता था, लेकिन वो हमेशा गांव वाले से बोलता था भेड़िया आया, भेड़िया आया। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मेरे को भी याद आ गई। वो झूठ बोलता था, गांव वाले उस पर यकीन नहीं करते थे, बाद में फिर ऐसा होता था। बहुत बढ़िया कहानी है। अब इसी कहानी को अगर हम पपेट शो करें, तो एक लड़का तो हमने बना रखा है। yes. किस चीज़ से बना है ये? ये बोतल से। ये बोतल से, बड़ा आसान सा तरीका है। कोई भी खाली बोतल लेके उसको पेपर से कवर कर दिया, और जो भी चेहरा हम बनाने का मन किया वो हमने बना लिया। तो लड़का, जैसे हमने लड़का बनाया, ऐसे भेड़िया भी बना सकते हैं, ऐसे लॉयन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ना। तो पहली ज़रूरत तो हमें होती है कहानी की। तो तुमने बहुत अच्छी कहानी सोची है, अच्छा लगा मेरे को सुन के। तो लड़का तो हमारे पास है, फिर और क्या बना है बताओ? भेड़िया। भेड़िया, तो यार भेड़िया से तो मेरे को। शुभांग, आप पानी की बॉटल पी कर क्या करते हो? उसे रीयूज करते हो? कैसे? उसकी किसी चीज को बना के। किसी चीज को आप बनाते हो? आपको आता है बनाने? yes. तो आप यहाँ सीखना चाहते हो और कुछ बनाना? यस। yes. चलो फिर प्रमोद सर से बोलते हैं कि हम सीखते हैं बॉटल से कुछ बनाना। ओके। बहुत बढ़िया है। इसको इस्तेमाल करने के हजारों तरीके हैं। इसको एक पॉट की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको आधा इसने इधर से काटा, और कोई भी एक पॉट की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और बड़े अच्छे तरीके से इसको, जैसे आज पर्यावरण का अगर हमें संदेश देना है, तो हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका है कि इसके छोटे छोटे गमले बना लिए, सजावट के तौर पे उनको सजा लिया, और उसके अंदर मनी प्लांट वगैरह डाल के इस किस्म से किसी को भी गिफ्ट करें तो बड़ा अच्छा लगता है। जो भी देखेगा बड़ा सुंदर लगता है उसको, कि इन्वायरमेंट में हरियाली दिखाई देती है। और अभी जो जैसे कहानी की बात इस भाई ने बताई, तो उस कहानी के हिसाब से लड़के का जो कैरेक्टर है ये हमने पहले बना रखा है, लेकिन एक बार इसको मैं इसको बनाने का तरीका दोबारा से बताना चाहूँगा कि बहुत सहज और आसान तरीका है। अगर हम ये मानते हैं कि पपेट बाज़ार में नहीं मिलता और पपेट बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। बड़ा आसान सा तरीका है, आउट ऑफ वेस्ट, बिल्कुल साधारण चीज़ों से आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। जैसे एक आकार मैंने आदमी का बना रखा है, अब इस चेहरे को कुछ भी आकार दिया जा सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, जैसा हमारी कहानी की आवश्यकता होती है। और उसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सहज है। अब जैसे चेहरा हमें बनाना है, तो चेहरे के रंग का हम चयन कर लेंगे। ये जैसे हल्का सा पिंक कलर का पेपर हमने लिया, और जिस बॉटल को कवर करना है उसकी कितने पेपर की आवश्यकता है उसको देख लेंगे, और जो ज़्यादा है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से
ये हमें इतने पेपर से हमारा काम चल जाएगा। अब जैसे इस बॉटल के ये ऊपर के सिरे राउंड है, तो ये राउंड सिरा होने की वजह से थोड़े से हिस्से को क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ने के बाद उसमें हल्के हल्के कट लगा लेंगे, इस किस्म से ना, ये हल्का हल्का कट लगा लेंगे। ये कट लगाने की वजह से क्या है कि वो मुड़ जाएगा, जब वो गोलाई में घूमेगा तो पेपर है वो। आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो वो इसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, और पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो बच्चों को इस तरह की क्रिएटिव चीजों में लगाएं, ताकि उनका क्रिएटिविटी उनकी विकसित हो सके और वो बच्चों में मोबाइल ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में गेम्स ज्यादा खेलते हैं, तो बच्चे इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। बच्चों में होता है जी, बच्चों में स्वयं करके देखने का मन करता है, और वो जब इस किस्म का कोई उनको आइडिया मिल जाता है, बच्चों को कोई आसान सा तरीका पता चल जाता है, तो जरूर करके देखते हैं वो जी। तो अब ये हमने गोंद लगा के इस बॉटल को एक तरीके से हमने कवर कर दिया। अब थोड़ा सा मोटा पेपर है, हार्ड पेपर है, तो उसको थोड़ी देर के लिए तो दबाना पड़ेगा जब तक उसको ड्राई हो जाए, है ना। ये काम तो आसान है, yes, आप कर सकते हो, yes, ट्राई करें। ठीक yes. है, मैं आपको भी एक बॉटल दूंगा और पेपर भी दूंगा, ठीक। तब तक के लिए इसको एक बार ऐसे दबा लो बेटा, पकड़ लो एक बार इसको जोर से, हाँ, ये चिपक जाए। और दूसरे सिरा निकल नहीं जाएगा, तो उसको स्टेपल से बंद कर लेते हैं बस। अब एक सिरे को स्टेपल हो गया और दूसरे सिरे को दबा दिया हमने, तो हमारे पास एक आकार मिल गया, जिसको हमने रंगीन कर लिया अपने चेहरा बनाने के लिए। अब चेहरे में होता क्या है, एक नाक होती है, yes. दो कान होते हैं, और हमारे पास ये होठ भी होते हैं, है ना। तो नाक एक होती है तो पहले नाक को बनाते हैं, कान दो होते हैं तो पेपर को डबल कर लेते हैं, पेपर को डबल करके, और कान का आकार सब कान सबके दिखाई देते हैं ना कि कान कैसे होता है, तो कान का आकार बना के उसको काट लेते हैं। और थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं, मोड़ने के लिए इसलिए दोनों तरफ यहाँ गोंद लगाया जा सकता है। और नाक बनाने के लिए क्या होता है, पेपर को डबल करते हैं और जो आकार होता है थोड़ा सा नाक का, उसको ड्रॉ कर लिया और आपने उसकी कटिंग करी। इसको भी थोड़ा सा ऐसे किनारों को मोड़ के, मोड़ने से होता क्या है कि इसको गोंद लगाने का स्पेस मिल गया, और उसके अंदर जो उभार मिलता है वो 3D जो इफेक्ट होता है, हाँ, वो उसकी ब्यूटी है एक तरीके से। अब नाक चेहरे पे एक होता है और बिल्कुल एक तरीके से लगभग आधे में होता है ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि ये माथा है, ये चिन बन जाएगा और ये बीच में नाक बन गया, है ना। अब नाक एक होता है इसलिए पहले लगाया हमने नाक को, ठीक है। अब कान दो होते हैं, तो कान के लिए दोनों तरफ से कान पे गोंद लगा के बराबर की दूरी पे, कैसे देखेंगे, अपनी तरफ नाक को रख के ऐसे देखा और बराबर दूरी पे, ठीक है, yes. बिल्कुल ऐसे पता चल जाएगा कि हमारे पास एक नाक लगाने के बाद दो कान उसके बराबर आ जाते हैं। अब जरूरत क्या बची है हमारे पास, लिप्स की। तो लिप्स के लिए कलर हम थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं, और लिप्स का भी ऐसी ड्राइंग करके लिप्स बन सकते हैं,
ये हमने लिप्स भी बना लिया। अब इसको बताओ बॉय बनाएं या गर्ल बनाएं, बूढ़ा बनाएं, जवान बनाएं, क्या बनाएं? गर्ल। क्यों भाई, बॉय अच्छा नहीं लगता? लगता है। फिर चलो गर्ल बनाते हैं, आप कह रहे हो गर्ल, तो बॉय में और गर्ल में क्या फ़र्क होता है? उसकी भी दो आँखें होती हैं, एक नाक होता है, दो कान होते हैं, है ना? सिर्फ बालों में फ़र्क हो सकता है ना, बॉय के बाल दूसरे होते हैं, गर्ल के बाल दूसरे होते हैं। तो कैसे फ़र्क पड़ेगा, गर्ल के बाल कैसे बनाएं? गर्ल के बाल ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से बनाते हैं, और लंबे होते हैं ना गर्ल के बाल, तो उसके लंबाई देखते हैं कितने बाल लंबे होने चाहिए गर्ल के। भाई ये ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इतने तो थोड़े कम कर लेते हैं ना। चलो नाप लेते हैं। चलो आपने कह दिया गर्ल बनाते हैं, पीछे से तो लंबे लंबे बाल यहाँ से हम कवर कर देते हैं यहाँ तक, ठीक रहेगा ना? अच्छा, और बाल कैसे चाहिए, प्लेन चाहिए या कर्ली हेयर चाहिए? कर्ली हेयर, बहुत बढ़िया। कर्ली हेयर के लिए तो भाई थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा हमें, पता है क्या? क्या? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा नीचे से ना इसको ऐसे कट लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कट लगाना पड़ेगा, ठीक। और फिर ये जब आप चिपकाओगे तो घूमेगा, फिर कर्ल जैसा हो जाएगा। इसको भी गोंद से चिपका देंगे पीछे की तरफ। तो ये हमारे बैक साइड से हो गया, है ना? ये चेहरे का जो बैक साइड है उधर की तरफ। अभी तो एक कान टूट के गिर गया, इसका दोबारा लगाओ, एक कान लग गया। चलो अच्छा ये बताओ, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आप बना सकते हो या नहीं? सर थोड़ा सा ये मुझे मुश्किल लग रहा है। क्या लग रहा है मुश्किल, इसमें क्या चीज़ मुश्किल है? इसको बनाना। कैसे? इसके हम लोग हेयर्स कैसे कट करेंगे? हेयर्स तो ऐसे ही कट करेंगे जैसे कैंची से सारी चीज़ें कट करते हैं। बताओ, मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल जब ही तक होती है कोई चीज़ जब तक उसके बारे में पता नहीं होता। जब आदमी को पता चल जाता है फिर तो करके देखता है, फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती उसको। शुभांगी आप घर पे करके देखोगे? घर पे क्यों, यहीं पे करके देखेंगे। करके देखोगे या घर पे? यहीं करके देखेंगे। और इसको बनाने के बाद क्या करोगे? इससे पपेट खेलूंगा। फिर खेलोगे? फिर खेलना शुरू हो जाएगा। पपेट खेलने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एक कहानी की या पोएम की या नाटक की, इस किस्म की चीज़ की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, तो जब हम नई नई कहानी सोच भी सकते हैं, अपने मन से कहानी नई बना भी सकते हैं, और कोई भी पात्र बना के, कोई भी काल्पनिक पात्र बनाया जा सकता है। तो ये मैंने, आपने गर्ल कहा था तो मैंने कोशिश करी है गर्ल जैसा नज़र आने की। लग रही है गर्ल जैसी? यस। चलो भाई मान लिया, अब दो आईब्रो भी लगा देते हैं, है ना? जब भी दो चीज़ें चाहिए होती हैं तो पेपर को डबल करके कटिंग कर लेते हैं ताकि दोनों एक जैसी एक साइज़ की मिल जाती हैं। जैसे कान दो बनाने हैं डबल करके काटा, आईब्रो दो बनानी है डबल करके, तो इस किस्म से। इस शो के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे देश में लाखों टन हर रोज इकट्ठा होता है और हम उसे डंप करते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो हम इस तरह से प्लास्टिक को यूज़ करके बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं, और बच्चे खुद ये डेवलप करके क्रिएटिव आइडियाज से स्टोरी अपने आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बच्चों के स्वयं के बनाए हुए खिलौने हैं और वो एक ऐसा खेल जिसको हम क्रिएटिव खेल की तरह कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पपेट्स के साथ खेलना सेल्फ डेवलपमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है जी। बच्चा खेले, बड़ा खेले, कोई भी खेले, अगर उस पपेट के साथ आप इनेक्ट कर रहे हो तो
तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में आप बात करोगे जी। अब वो विषय जो भी जिस विषय पे हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट की एक स्टेज है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, बच्चा भी अगर खुद से भी बात कर रहा है तो उसकी कल्पना शक्ति बढ़ रही है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मूवमेंट जो है उसके साथ दिखने में पपेट खेल है, लेकिन खेल से पहले एकदम उसके साथ जुड़ जाता है कि कहानी क्या करें हम, क्या मैसेज पास ऑन करें। और आज भी मुझे एक बात की है कि जागरूकता के लिए अगर कोई अभियान हम चलाना चाहते हैं सामाजिक स्तर पे, तो वो बात अगर हम वैसे किसी को लिख के पोस्टर के द्वारा या कह के बताते हैं तो उतनी इम्प्रेसिव नहीं होती जी। जितना अगर आप उसको एक नाटक के रूप में या किसी माध्यम के रूप में दिखाएं। हाँ, अब इस चेहरे ये ऊपर का सिरा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको इसको भी थोड़ा सा ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर देते हैं तो एक आकार हमें बड़ा सहज मिल गया। अब कमी क्या है इसमें, आँखों की। आँखें बहुत तरीके से की जा सकती हैं। आजकल खिलौनों की दुकान पे आर्टिफिशियल आइज भी आती हैं जिसको लोग गुगली आइज कहते हैं, और पेपर से भी कटिंग करके बनाई जा सकती है। इवन वैसे भी अगर कोई भी, तो ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आसानी से शहरों में तो आसानी से उपलब्ध हैं, और अगर कोई वैसे भी करना चाहे तो पेपर से कट करके दो ब्लैक सर्कल लगाए जा सकते हैं। और ये जो बाजारी जो आईज होती हैं जिनको हम कहते हैं गुगली आईज, इनमें थोड़ा सा ये अट्रैक्शन होता है कि मूवमेंट होती है तो वो हिलती हैं तो थोड़ा सा थोड़ा, हाँ, एक बच्चों में भी एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि उसमें और लाइवनेस आती है। बाकी पेपर से भी बनाई जा सकती हैं, ड्रॉ भी की जा सकती हैं। एक आकार है जिसको आपने जिंदा करना है। अब बहुत सुंदर सर ने अभी हमें बना के दिखाया, और सभी बच्चे पेरेंट्स इसको बनाएं अपने घर पे और इसे सजावट की तरह यूज करें और स्टोरीज बनाएं, पोयम बोलें अपने बच्चों को कि वो इनेक्ट करें पोयम, इसके साथ खेलें और सीखें। इसीलिए तो हमारा प्रोग्राम का नाम है खेल खेल में सीखना। सर, हम लोगों ने ये बना तो लिया है, लेकिन हम लोग इससे कैसी स्टोरी बना सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया बेटा, मजा आ गया। अब हमने ये, हमारे पास ये दो कैरेक्टर हैं, एक आपने गर्ल का कैरेक्टर बनाया, एक आपने बॉय का कैरेक्टर बनाया। बॉय और गर्ल रिलेशन हम इनका कोई भी बना सकते हैं, इनको फ्रेंड भी कह सकते हैं, इनको बहन भाई भी कह सकते हैं, जैसी हमारी कहानी की ज़रूरत होती है ना। अभी इनको हम फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। अब ये दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। अब आपके भी फ्रेंड होंगे, तो आप अपने जब फ्रेंड से मिलते हैं तो आप क्या बात करते हैं? हेलो। हाँ, हेलो से बात फिर आगे क्या चलती है, हालचाल पूछते हैं, और भाई ठीक हो, अब स्कूल गोइंग हैं तो पूछते हैं स्कूल में क्या आपने होमवर्क कर लिया है ना, और लंच में क्या लेके आए हो है ना, ब्रेकफास्ट किस चीज़ का किया था, यही सब बातें करते हो ना फ्रेंड से। तो यही बातें पपेट बन के हम इनसे भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है, अब जैसे ये आंटी जी हैं है ना, एक आंटी जी हो गई, अब मान लिया थोड़ी देर के लिए अलका मैडम जो हैं ये आपकी आंटी जी हैं, ये लीजिए आंटी जी हैं। और आपका नाम क्या है? शुभांग। शुभांग, अब ये शुभांग है। अब दोनों आपस में अगर आप खेलोगे बात करोगे तो अपने आप ही वो पपेट शो बन जाएगा है ना। और मेरे पास ये दो पपेट हैं, एक मैं भी ले लेता हूँ, ये दोनों, ये ग्लव पपेट होते हैं, ग्लव्स की तरह हाथ में डाल के आसानी से इनको मूवमेंट दी जाती है। तो सबसे आसान तरीका तो इन ग्लव्स पपेट का है, और जो हाथ से आप मूव कर रहे हैं ये हैंड पपेट की तरह, और देखिए बड़ा सहज है। आपके हाथ दिखाई दे रहे हैं जी, है ना। इसका एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जैसे कोई भी कपड़ा है, फिलहाल आपके पास ये है जी। ये जो है, इस कपड़े को अपने हाथ पे कवर कर लीजिए, अब इसको पकड़ लीजिए। हाँ, तो ये कपड़ा इसकी गर्दन बन गई, उसकी बॉडी बन गई, तो अपना हाथ भी कवर हो गया जी। और कपड़े से आसानी से उसको मूवमेंट किया। अब लाइव करके इसके साथ बात करनी है। आप भी इसी तरह अपना जो छुपाना है हाथ, तो उसके ऊपर से कपड़ा डाल लेंगे है ना, और बात करते हैं। हाँ, बात करो कुछ भी। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। और आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं? हाँ आंटी। तो क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं अपनी नानी के यहाँ घूमने आया हूँ। घूमने आए हो? यस आंटी। और आपने क्या गेम्स खेले यहाँ पे नानी के घर? यहाँ पे मैंने पपेट शो सीखना बनाने के सीखा।
अच्छा पपेट शो सीखा, वेरी गुड। और अब उस पपेट शो से आप क्या करोगे? मैं उससे खेलूंगा। वेरी गुड। खेल खेल में सीखोगे भी ना कि बस खेलोगे? सीखूंगा भी। नहीं तो पिटाई भी होगी आपकी? नहीं होगी, मैं तो मजाक कर रही थी। ये बहुत ही रोचक खेल है बच्चों के बीच में जी। और हम लोग तो आमतौर पे महसूस करते हैं कि रोता हुआ बच्चा भी हंस जाता है। और दूसरी इस क्रिएटिव पपेट्री की एक खासियत ये है कि ये ग्रुप वर्क होने के नाते मिल के काम करने की जो भावना होती है बच्चों के अंदर, सोशल डेवलपमेंट भी होता है बच्चों में, हर लिहाज से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के आप नाम कैटेगरी रख लो अलग अलग, एक अलग बात है, लेकिन अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो मेरे ख्याल से सब कुछ बिल्डअप हो गया। वो सारी चीजें कॉन्फिडेंस से जुड़ी हैं। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस है तो वो हर लेवल को फेस कर सकेगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मेरी नज़र में आर्ट से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। और आर्ट में भी दो किस्म की आर्ट होती हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव आर्ट होती है जो मेकिंग का स्किल डेवलप करती है, और एक परफॉर्मिंग आर्ट होती है जो एक दूसरे किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है पब्लिकली स्टेज पे फेस करने का। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने सीखा है वो क्रिएटिविटी भी है और परफॉर्मिंग आर्ट जी है। मैं यही बताना चाह रहा था, इस आर्ट की खासियत और खूबी ये है कि कठपुतली कला कहने में बड़ी सहज कला है, लेकिन इसमें आपकी लेखन कला भी जुड़ जाती है, आपकी क्रिएटिव कला भी जुड़ जाती है, आपकी परफॉर्मिंग कला भी जुड़ जाती है। सर, हम लोगों ने इसे बना तो लिया, लेकिन हम इसे किस किस मटेरियल से बना सकते हैं? और भी बहुत तरीके हैं बेटा बनाने के। एक तरीके तो ये सहज पेपर से हमने बनाया, बल्कि एक ये हो सकता है कि जैसे हमने इस आदमी को बनाया, इस औरत को बनाया पेपर से, ये बॉटल से, ऐसे ही बॉटल से और भी बहुत सी चीजें बन सकती हैं। मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये तो एक फेस, ह्यूमन फेस हो गया, और हम इससे क्या कर सकते हैं? अब कोई भी आकार बनाने की अगर आपकी आवश्यकता है, जैसे पक्षी की अगर कोई फॉर्म आपको चाहिए पक्षी बनाना, और पक्षी हमारे आसपास रहते हैं, अगर किसी भी कहानी में हमें जरूरत पड़ती है तो हम घर में रहते हैं, दीवार पे आगे एक पक्षी बैठा है, वो आपसे बात कर रहा है, वो अपनी समस्या आपको बता रहा है, आप अपनी समस्या उसे बता रहे हो, तो एक अच्छा कैरेक्टर की तरीके से पक्षी का कैरेक्टर यूज हो सकता है, पशु का कैरेक्टर यूज हो सकता है, उन सब चीजों का कैरेक्टर यूज हो सकता है। आर्ट फॉर्म से जैसा हमने जाना कि हम क्रिएटिविटी भी सीख सकते हैं, परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में अपनी परफॉर्मेंस सबके सामने रख सकते हैं, और सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि हम ये प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं उनको इस तरह से फेंके नहीं, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका इस्तेमाल करें। तो शुभांग, तुम्हें मज़ा आ रहा है? यस। तो आपको देखना है कि इससे बर्ड कैसे बन सकता है। हाँ। कौन सा बर्ड देखोगे? शुभांग पे चॉइस है, इसे okay. पूछते हैं बर्ड बनाएंगे या कोई एनिमल बनाएं? एनिमल। एनिमल, एनिमल में कौन सा एनिमल? टाइगर। टाइगर, बॉटल से टाइगर बनाना चाहता है शुभांग तो। कुछ भी बनाया जा सकता है, तो कुछ भी चॉइस कर सकता है, इसलिए इसकी चॉइस पे है जी। लेकिन मेरी इच्छा ये थी बेटा, बड़ा टाइगर में थोड़ी सी कटाव ज़्यादा होते हैं आपके लिए, पहले से कोई छोटा लेते हैं, जैसे डॉगी लेते हैं, डॉगी आपके लिए आसान रहेगा उसके लिए। एक डॉगी तो देखा होगा ना, डॉगी हमारा पेट होता है ना, डॉगी फ्रेंड भी बन सकता है, डॉगी के साथ आप बात भी कर सकते हो। तो मेरे मन में था कि डॉगी का आसान रहेगा, पहले आपको डॉगी सिखाते हैं, फिर आपको टाइगर भी बताएंगे, एलिफेंट भी बताएंगे, जो आप कहेंगे वो बताएंगे। ठीक, अब इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब आराम से ये देखते हैं कि ये डॉग कैसे बनता है। डॉग के लिए भी पेपर को ऐसे ही कवर करना है, ये काम तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें अब की बार आपको मेरी हेल्प करनी है। ओके सर। आपकी बार जब इसको थोड़ी देर के लिए दबाना पड़ेगा ना, हाँ, तो मुझे हेल्प चाहिए। ओके सर। हाँ, इसी तरीके से इस बोतल को कवर करने के लिए जितने पेपर की आवश्यकता थी हमने उतना पेपर लेके उसमें भी उसी प्रकार से कट लगाए। और इसी प्रकार से हमने इसको भी कवर कर दिया। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, अगर आप भी बना के देखना चाहो हाँ तो मज़ा आ जाएगा। जी।
इस पे भी गोंद लगाया हमने जिस पे कट किया था, और इस साइड में भी हमने गोंद लगाया, और दोनों को ये नीचे ढक्कन को नीचे की तरफ रखा है ताकि उसको हम पकड़ सकें। अगर हम पपेट बना रहे हैं तो उसको पकड़ने की जगह भी तो हमें चाहिए ना, तो इस प्रकार उसको नीचे रखते हुए इसको भी कवर कर दिया। और ये जो कटे हुआ है मुड़ जाएगा अंदर की तरफ, एक एक करके उसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, चिपक 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 जाएगा, नहीं वो उसके साथ रुकेगा भी, वो मुड़ने के बाद वो कवर हो गया ना जी। तो उसके साथ वो मुड़ेगा भी। अब ये जो स्टेप था वो सेम स्टेप था भाई, बॉटल को कवर करना तो बेसिक स्टेप जी, है जी। इतना तो आप बर्ड बनाओगे तब भी, आप बर्ड की याद दिलाई तो ब्लैक कलर का है, क्रो बनाना चाहो तो दो मिनट में क्रो बन सकता है, और डॉग बनाना चाहो तो डॉग बन सकता है। अब डॉग में भी आपने देखा होगा कि बहुत से अलग अलग कलर के डॉग होते हैं जी। तो ब्लैक एंड वाइट अगर डॉग बनाना है तो चलो ब्लैक एंड वाइट डॉग बनाते हैं, इसमें हुड बनाते हैं इसका जो आगे का हिस्सा होता है उसको हुड बोलते हैं, हुड की लंबाई के हिसाब से उसकी कटिंग कर ली। पेपर क्राफ्ट में ये जो छोटे छोटे कट होते हैं ना, यही एक इम्पॉर्टेंट क्या, यही एक टेक्निक होती है, गुर होते हैं उस चीज़ को आगे 3D में कन्वर्ट करने का। अब इसको ऐसे कट लगा के मैं इस गोंद से इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूंगा तो मेरे को एक 3D लुक मिल जाएगा इसका। सर ये मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। करना चाहते हो, चलो बड़ी अच्छी बात है। आप तो कह रहे थे बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, मैंने इसलिए आपके लिए कोशिश नहीं करी, अब आपने कहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्या बनाओगे आदमी? ये डॉगी बनाओगे? चलो डॉगी बनाओ। किस कलर का बनाओगे? येलो। येलो, बढ़िया, पहला डॉगी देखेंगे हम दुनिया में। शुभांग आप सीख तो लो कि सर कैसे बना रहे हैं, उसके बाद तो बना पाओगे ना। वही अब सीख लेते हैं पहले देख के बनाने की जल्दी होती है बनाएंगे। नहीं, बनाने की जल्दी होती है, बड़ी अच्छी बात है बेटा। अब आपके पास सामान है, बिल्कुल बना के देखना, पहले ये देख लो हमने किया कैसे है। तो पहले आप सारे स्टेप्स नोट करो और फिर इसको बना के। अब ये हुड बना रहा है मैंने, ओ मैं तो ब्लैक एंड वाइट कह रहा था, ये तो मैंने ब्लैक ब्लैक बना दिया। चलो ब्लैक डॉगी सही है ना। आर्ट में सबसे मज़ेदार एक चीज़ होती है, कभी गलती नहीं होती, होती है कभी गलती आर्ट में? नहीं होती ना तो इसलिए फ्री होके काम करना चाहिए, आर्ट में कोई गलत तो होता ही नहीं, जो भी करोगे बढ़िया होगा है ना, तो ट्राई जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे गोंद लगा के इसको चिपका देते हैं, ये इसका हुड बन जाएगा, बड़ा आसान सा तरीका है। और ऐसे ही ये नीचे वाला हिस्सा हो गया उसका। अच्छा, इसके अंदर जीभ भी होती है डॉग के? यस। होती है, मैंने तो देखी नहीं। चलो आप कहते हैं होती है तो अच्छी बात है, एक जीभ भी बनाएंगे। जीभ किस कलर की बनाए? रेड। हाँ रेड, रेड। देखो रेड पेपर कहाँ है, यहीं ऊपर ही होगा पेपर, इसी में होगा रेड पेपर। इस प्रकार हमने हुड बनाया ऊपर और नीचे, अरे वाह बड़ा प्यारा रेड कलर है, और जीभ इसकी सुंदर सी लंबाई देखें, जीभ की कितनी चाहिए हमें? डॉग की जीभ बाहर लटकती रहती है ना? ओके डॉग के अब दो कान लगाने बाकी हैं, फटाफट दो कान लगाओ, पेपर को डबल करो, और डॉग के कान तो लंबे लंबे होते हैं, लटकते रहते हैं, तो इसी प्रकार डॉग के कान हमने बना दिए, ये दो कान बना दिए हमने डॉग के, और कान वाइट कर देते हैं यार, है ना। और क्या, ये फटाफट हमने एक कान इधर लगाया और एक कान इधर लगाया, और इस डॉग को पकड़ के हाँ एक सिरा इधर कान का जोड़ दिया हमने। क्यों भाई साहब मुश्किल है? नहीं। पकड़ इसे, ओ दब गया, दब गया, जल्दी निकाल के दे,
शाबाश, ऐसे एक कान पकड़ ले भाई, गिर जाएगा ये, एक इधर और एक इधर, ये दो कान लग गए। और अब फटाफट दो आँखें भी बना दें। आँखों के लिए पहले दो सफ़ेद रिंग चाहिए हमें, वो ब्लैक पे दिखाई नहीं देगा दूसरा कुछ भी, तो ये हमने दो रिंग बना दिए। चलो भाई, और ये मजा आ गया, ओए कानास में आ गया इसका। चलो अब क्या कमी रह गई इसमें, फटाफट बताओ। जीभ। जीभ, हाँ जीभ की कमी रह गई, पर जीभ तो लंबी बनानी पड़ेगी, तो लंबाई तो यहाँ पे इतना पेपर तो चाहिए, और उसको जीभ के आकार का काट दिया। और आखिर के सिरे को चिपकाने के लिए गोंद लगा के उसके अंदर डाल दिया, ये हमारी जीभ भी बन गई। चलो आपने बढ़िया स्पीड से आपने डॉग बनवा दिया। और दो इसकी आंखें वो लगी, बस खेल ख़त्म, और ये आपका पैसा हजम। ये देखिए भाई, सर ये तो बहुत अच्छा डॉग है। हाँ बहुत अच्छा डॉग है, अच्छा डॉग है, इसकी जीभ बाहर आ गई। तो दर्शकों ने अभी देखा कि हमने कैसे प्लास्टिक को यूज करके ह्यूमन फेस बनाया और डॉग का एक फेस बनाया। इसी तरह से आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। छुट्टियों को एंजॉय कीजिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल किशोर मंच। थैंक यू।